तो दोस्तों अभी जस्ट कम से कम हमारे 20 मीटर की दूरी पे टाइगर भागा है। या कहीं जा तो ना जाए भगवान है जाने जाए ना। अरे हम लोग के तो दूरी रंच कम घुसो बैठे रहा यार, हम बनाई वीडियो बैठे हैं एकदम से बैठ रहेगा भागा नहीं देगा, फिर जा को ड्रामा घुस गया भागा है का बना ये अकेले रह दो जान बनाओ दे ना एक जान भागो जान से भागो। अभी भगवा देखा को तो चला या छेदी को मुकुट अब भी भाग दे हम देख के इतना जनते के इतना पास हम पहुंच गए ना ये वो बस बात है बंदात घूम रहा हम कहां की गोर गोर को कुछ मार रहे हम गंधात रहा तो इतना गंदा जैसे भागो गंध खत्म। ठीक है तो दोस्तों आज मेरे साथ जो हैं सिब्बू भैया हैं और हम जो है एक टाइगर हंटिंग ग्राउंड पे हैं और जैसे इधर देख सकते हैं कि चारों तरफ हड्डियां काफ़ी है और जो है गंध भी काफ़ी तेज़ है यहाँ पे। सिब्बू को आगे करते हैं और ये हंटिंग ग्राउंड एरिया पे अपन ऐसे लाठी लाठी रख लो वैसे होना नहीं चाहिए हो भी सकता है भाई है टाइगर भी हो सकता है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है काफ़ी घना झाड़ियाँ जो हैं और ऐसे जगह पे जो है टाइगर आसानी से नहीं देखा जा सकता। ये नाला है और सिब्बू आगे चल रहा है और ये काफ़ी खतरनाक नाला छुप सकता है टाइगर है। टाइगर है वहाँ की रिक्स नहीं लेंगे यार गंध तो बढ़ रहा है क्योंकि झाड़ियाँ भी है काफ़ी और कहीं से भी अचानक हमला कर दिए तो बचने के चांस जो है वो नहीं है और लाठी भी नहीं रखे। चलो आ जाओ नहीं जाएंगे तो दोस्तों हम वापस जा रहे हैं क्योंकि गंध काफ़ी तेज़ बढ़ गया है और हो सकता है कि इतना रिक्स नहीं ले सकते। अब अपन चलेंगे तो दोस्तों टाइगर पक्का है यहाँ पे है क्योंकि गंध काफ़ी है और ऐसा झाड़ियाँ कि अगर हमला कर दिया और हम दो लोग ही हैं तो बचने के चांस कम हो सकते इसलिए आगे नहीं जाएंगे। और ये वही जगह है दोस्तों यहाँ से ज़्यादा गंध आ रहा था इसी जगह से तो अपन वापस आ गए हैं और आसपास के एरिया पे देखते हैं। ऐसे तो नहीं क्या कुछ तो है क्या क्या कुछ पीला पीला है हैं पीला पीला है कहीं भागा सीधा भागा तो नहीं जो लाठी भी नहीं ली हैं उधर ना जाओ दूर से देखो है क्या दिख रहा है गया पीला पीला मतलब कंफर्म दिखा है हाँ। मतलब वो पीछा कर रहा है
नहीं दिख रहा, जैसे बैठ के देखो मतलब कंफर्म है। हाँ यार यहीं पे बगल में ही तो गंध आ रहा है। हाँ अब गंध नहीं आ रहा है, कम हो गया। मैं वहाँ पास खड़ा रहा था, चरण को इसी चक्कर से मोबाइल में टाइम पास कर रहा था। ये तो यार बच गए यार भाई, बताओ यहीं पास जब से खड़े हैं, जब से खड़े हैं यहाँ पे सुन रहा था ये जाना नहीं यार, आराम से नहीं आ हुआ पड़ेगा अभी तो। मान लो उसका अगर पेट भरा है तभी वो जो है अटैक नहीं किया। हाँ बाइक से इधर से घूमते चले डांडे शायद है कि वो नाला वाला भी सब वहाँ मिल जाए। आगे हाँ चलो चलो नाला से देखते हैं। और कुछ है बड़ा जबरदस्त भागा यार, भारी था, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे टाइगर है। और सिब्बू ने बताया कि एक नज़र मतलब समझ में नहीं आया कि यहाँ पे कुछ दिखा है, हो सकता है कि वो टाइगर हो या कि कोई और दूसरा जानवर हो। बाकी गंध जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और हम जो है अभी टाइगर हंटिंग ग्राउंड पे हैं, ये कंफर्म है। तो चलिए चलते हैं आगे, जो है साइड से दिख जाए। आगे जंगल के अंदर घुस चुका है और ये एरिया जो है गांव के काफ़ी नज़दीक का एरिया है। धीरे धीरे चलना, हो सकता है कहीं इस नाली में न छुपा हो। यहीं पर रोकना होगा साइड में थोड़ा सा किनारे कर, यहीं से अंदाजे। तो दोस्तों इधर साइड आया तो हो सकता है यहीं किसी नाले पे छिपा हो। सिब्बू आराम से जाना भाई, है ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। कैमरा चालू रखना, एक झलक भी दिख गया ना चुपचाप बैठ गया हो गया। ऐसे तो नजर आते हैं गांव के नज़दीक जो घुसे रहते हैं। और जैसे मैंने हमेशा कहा है कि ये टाइगर का हंटिंग ग्राउंड एरिया रहा है हमेशा, काफ़ी जिस जगह पे हम थे उस जगह पे काफ़ी ज़्यादा गंध था, तो हमें तो पता चल गया था कि कुछ तो है यहाँ पे। और फिर अचानक जो है टाइगर भागा ही, और इतना तेज़ी से भागा कि हम जो है उसको कैमरे पे कैद नहीं कर पाए। और देख रहे हैं शायद, और इधर ही साइड भागा है अपन, थोड़ा सा जंगल का किनारा एरिया लिए हैं तो हो सकता है। और ये देख सकते हैं काफ़ी गहरा नाला है तो शायद दिख जाए। ये देख सकते हैं ये पूरा ढलान है और इसी नाले पे है दोस्तों, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ इतना तेज़ी से भागा है कि ऐसे समझ में आया कि मैं गाड़ी चला रहा था सिब्बू अलग पीला पीला कुछ बहुत भारी भागा है। तो इसका कंफर्म है पीला है तो मतलब बाघ ही है, क्योंकि झाड़ियों के बीच घुसा था तो अच्छे से जो है कंफर्म नहीं आया। तो देख सकते हैं, और अभी तक कुछ पता नहीं चला। और गंध भी जो है काफ़ी कम हो गया है। और चलें क्या उधर साइड देखने, शायद उधर साइड ना गया होगा ना, इधर ही गुजर होगा। चुपचाप बैठा गया भाई, वो मेरा पीछा करते गए है ना। नहीं 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 मेरा पीछे करते गए, मैं यहाँ पे आया था यहाँ पे बताया। दोस्तों हैं तो हम बहुत ख़तरनाक एरिया पे, बाकी अब जो है हिम्मत नहीं पड़ रहा दोस्तों कि हम आगे जाएं, क्योंकि काफ़ी करीब आ चुका था हमारे टाइगर। और आज हम जो है सिर्फ दो लोग हैं, और दो लोग होने के कारण ये भी था कि गांव के काफ़ी करीब थे हम लोग, इसलिए सोचे कि ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं और दो ही लोग अपन आए। और ये हमें कन्फर्म जो था
कि जो इस टाइम जो है अभी करीब 12 बजे का टाइम है, तो हमें लगा कि इस टाइम जो है जंगल पे नहीं होगा बाघ, पर यहाँ पे आने पर पता चला गंध काफ़ी था, तो हम सोचे कि शायद जो है बाघ जो है जंगली जानवर या मवेशी, गांव के मवेशियों को मारा होगा, तो हो सकता है उसी का गंध हो। तो उस वजह से अपन अंदर गए, और जैसे जैसे अंदर जंगल के अंदर जा रहे थे वैसे ही ज़्यादा गंध बढ़ता गया, और उसके हम करीब ही पहुंच गए थे, कम से कम 20 फीट की दूरी पे ही थे जैसे, तो वो भागा है। और मैं जंगल के अंदर ऐसा जैसे ही जा रहा था वैसे ही पता चल रहा था दोस्तों कि वो शायद मेरा ही पीछा कर रहा था, क्योंकि मैं जंगल में जैसे जैसे बढ़ रहा था वो मेरे पीछे पीछे धीरे धीरे आ रहा था।